ਸਦਾ ਜਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਗ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਗ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਕਰਮ ਹਲੀਮਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ हाँ मोहम्मद मुश्ताक साहब नर्सरी हाउस वाले उनको खूबसूरत सजावट करने पर दिल की अथाह कराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। साडे नबी पाक दा ज़हूर हो गया जग वेखो सारा नूर नूर हो गया मक्के शहर विच दुहाइयां पै गईयां ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਈਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਕਰਮ ਹਲੀਮਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਰਮ ਹਲੀਮਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਗ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਲਾਦ ਤਾਈ ਸ਼ੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਮੈਂ प्यारे दोस्तों और भाइयों, जैसा कि आपको पता है और आप देख रहे हैं कि गौसिया मिलाद कमेटी का जुलूस इस वक्त सही मैरिज हॉल की तरफ रवा दवा है और सही मैरिज हॉल के बाद वहां से पंगाली का जुलूस आएगा, रोही का जुलूस आएगा और ये इकट्ठे होके फिर किला छप्पड़ की तरफ रवाना होंगे। पहले गुलशन टोन जाएंगे, गुलशन टोन से फिर वटाला चौक और वटाला चौक से फिर ये जो मरकजी मिलाद कमेटी का जुलूस है, मिलाद कमेटी का जुलूस जो किले छप्पड़ के मकाम पे इकट्ठा होगा उसकी तरफ रवा दवाओगे। तो इस वक्त ये सारे जुलूस जो हैं वो रोई और पंगाली और कोड़जंबा का जुलूस इकट्ठा होगा शाही मैरिज हॉल के पास और इस वक्त जुलूस जो है वो रवा दवा है शाही मैरिज हॉल की तरफ और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा उस तरफ जा रहे हैं। आज तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा खुश हैं क्योंकि आज विलादत का दिन है और क्यों ना खुश हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान की जान हैं। और अगर पीर मेहर अली शाह साहब का वो जुमला याद आ रहा है कि इस सूरत नू मैं जान आखा, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू सब शाना बलियां। दोस्तों एक कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पईयां, एक कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पईयां, खिड़े ने फुल ते गलियां हजारा मुस्कुरा पईयां। तो ये जुलूस जो है वो सही मैरिज हॉल के पास पहुंच चुका है, आप देख रहे हैं सही मैरिज हॉल के सामने बिल्कुल अभी हैं। अभी रोई के जुलूस का इंतज़ार किया जाएगा, पंगाली के जुलूस का इंतज़ार किया जाएगा, थोड़ी देर बाद वो भी जुलूस आएगा तो सब इकट्ठे होके फिर इंशाल्लाह गुलशन टोन की तरफ रवाना होंगे। गुलशन टोन वाला जुलूस, इसके अलावा बराले छप्पर वाला जुलूस, मैरिज टाउन वाला जुलूस वहाँ पर इकट्ठे होंगे और फिर वापस जो है वो इंशाल्लाह वटाला चौक से होते हुए किला छप्पड़ की तरफ रवाना होंगे। किला छप्पड़ वालों ने जो बंदोबस्त किया है वो इस दफ़ा जनाजा गाह में किया है क्योंकि जगह वहाँ सबसे ज़्यादा है गाड़ियाँ पार्क करने की, इसके अलावा वैसे भी बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है और वहाँ पे माशाल्लाह लंगर का इंतज़ाम भी किया है, उन्होंने इस दफ़ा बेहतरीन लंगर का इंतज़ाम किया है, वो भी इंशाल्लाह आपको आगे जाके दिखाएंगे। तो उम्मीद है, ये देखें दोस्तों इस वक्त जुलूस पहुँच चुका है, सुजोवाल का जुलूस आया है और इसके बाद रोही और पंगाली का जुलूस भी वो नज़र आ रहा है, दूर से आ रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जो विलादत बासादत की खुशी ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। Yeah,
आज जनाब खैर मतलब